भूकंप ने बुधवार को ताइवान की राजधानी ताइपे को हिलाकर रख दिया है। 7.2 तीव्रता के भूकंप के कारण वहां बड़े स्तर पर तबाही देखी गई है। इस भूकंप के कारण कई ऊंची ऊंची इमारतें ढह गई हैं। अब तक 4 लोगों की मौत की बात सामने आई है। हालांकि भूकंप ने जितना नुकसान पहुंचाया है उसके मुताबिक यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। ताइवान में भूकंप के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। देश भर में ट्रेन सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके बाद जापान के 2 द्वीपों पर सुनामी तक आ गई। ताइवान के हुआलियन से भूकंप की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई है, जिनमें इमारतों को ढहते देखा जा सकता है। कई घर और इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई हैं। भूकंप की वजह से ताइवान में भारी तबाही हुई है। इसके बाद देश भर में ट्रेन सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर इस भूकंप की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें 5 मंजिला एक इमारत तिरछी हो गई है। ताइवान में भूकंप की वजह से कई शहरों में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। भूकंप के चलते फिलीपींस में भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताइवान में स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को कामकाज बंद करने का विकल्प दिया गया है। भूकंप के कारण कई ऐतिहासिक धरोहरों को भी नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप से ताइवान में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले बना एक स्कूल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। जापान की सबसे बड़ी एयरलाइंस जापान एयरलाइंस ने ओकिनावा और कागोशिमा क्षेत्रों से सभी उड़ान सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। सुनामी संभावित इलाकों की ओर जाने वाली उड़ान सेवाओं को डाइवर्ट कर दिया गया है। ताइवान में आए इस भीषण भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में सेना की तैनाती की जा रही है। लोगों के इमारतों में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। ताइवान की राजधानी ताइपे के सेंट्रल वेदर एडमिनिस्ट्रेशन के सिस्मोलॉजी सेंटर के निदेशक वू चियन फू ने बताया कि भूकंप के ये झटके पूरे देश में आसपास के द्वीपों पर महसूस किए गए हैं। ताइवान के इस भूकंप को 25 सालों का सबसे भीषण भूकंप बताया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।